थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे। अरे भैया मोबाइल भैया बीच में मत आना, पीछे आ जा, पीछे आ जा। लेकिन ये आम नागरिकों को कल अचानक 350 रुपया कमर्शियल रेट बढ़ा करके कमर्शियल पे 50 रुपया करेंगे और कमर्शियल रेट भी बढ़ा तो रेस्टोरेंट में जो गरीब आदमी कभी अपने किसी खुशी को मनाने जन्मदिन घरेलू यूनिवर्सिटी या किसी प्रकार के आयोजन को लेके जाता है तो उसका सीधा असर उनके जेब पे पड़ेगा निश्चित रूप से। उसको कमर्शियल भले नाम दे दिएगा लेकिन इसका सीधा असर पब्लिक जनता को पीछे आ गया। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय ईश्वर सिंह पटेल जी, मैं महानगर सभी हमारी इकाई, हमारे फ्रंटल संगठन, व्यापार प्रकोष्ठ, NSY, यूथ कांग्रेस, विधि प्रकोष्ठ, सभी लोगों का महामहिम राष्ट्रपति महोदय को समर्पित ज्ञापन सौंप दे रहे हैं आपके माध्यम से और आशा करते हैं कि ये जल्द से जल्द उनके पास पहुँच जाए। यार थोड़ा सा मोबाइल पीछे करो, हाथ आ रहा है, एक मिनट इधर बाबा तेई सब पीछे भैया अपना पहले पर्चे दें आप। मैं अरुण कुमार सिंह अध्यक्ष वाराणसी। आज किस संदर्भ में आप लोगों को जिला मुख्यालय पर आना पड़ा, क्या है मामला? लोगों का आगे आने वाला त्यौहार जो है होली, उसको इस सरकार ने फीका कर दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो कमर्शियल है 350 और साथ ही जो घरेलू गैस है उससे 50 रुपये बढ़ा दिया गया है। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही जनता के सामने बहुत बड़ा संकट है, कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से लोग गैस भरवाएंगे, ये समस्या को लेकर के हम लोगों ने पूरा जिला कांग्रेस कमेटी वाराणसी, महानगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, NUSI, सभी मंडल संगठन एक साथ आकर के वहाँ पर कार्यालय पर जाकर के हम लोगों ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी के माध्यम से। क्या लगता है कि जो है आपको बातों का ध्यान देगी सरकार? अगर हम लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि कांग्रेस रोड पर उतरकर भयंकर प्रदर्शन करेगी, जनता की लड़ाई जान की बाजी लगा करके हम लोग लड़ेंगे और जनता के हित के लिए हम लोग 24 घंटा आगे।